और कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे ही होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो भी अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि अब जेपीएससी का बिगुल बज चुका है। जेपीएससी तैयारी के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, छोटा सा प्रयास हम किए हैं जेपीएससी टेस्ट सीरीज़ के लिए, पीटी का। और ये पीटी का जो टेस्ट सीरीज़ है अभी स्टार्ट हुआ है, और इसी तरह से मेंस का टेस्ट सीरीज जो है सो चलेगा। हम चाह रहे हैं कि पीटी का टेस्ट सीरीज जो जेपीएससी का, इतना आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? क्योंकि उसका जो सिलेबस है एकदम, सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें इतना सवाल, इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हिस्ट्री है, 5 सवाल एंशियंट से, 5 मेडाइवल से, 5 मॉडर्न से, पूरा सबको देखना पड़ता है कहाँ कहाँ सवाल कैसे कैसे कितना पूछेगा, उसके अनुसार से बनाना सवाल आसान काम नहीं है। और दोनों मीडियम में, बाइलिंगुअल, हिंदी भी अंग्रेजी भी, तो थोड़ी बड़ी गलती हम इसलिए, चलिए बात वो कर रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा भूल या थोड़ी मोड़ी मानवीय गलती हो जाती है, थोड़ा सा आप लोग उसको माफ़ करेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल रहता है। एक तो होता है कि पहले क्वेश्चन पेपर को पहले रेडी किया जाए, फिर उसको टाइपिंग करवा दिया जाए, हो सकता है फिर टाइपिंग करने वाला, हो सकता है कि उसको थ्री का डी कर दिया, या 4 का था C, 4 का B कर दिया, ये गलतियाँ हो सकती है। तो 1-2%, अगर 1-2% गलती होता भी है, एक, ठीक है ना, अगर मान लिया जाए 3% तक गलती अगर होता है, तो उतना गलती थोड़ा सा क्षमा, मतलब क्षमा करना चाहिए आप लोगों को। या 3% को माना जाता है मानवीय भूल के रूप में, क्योंकि जेपीएससी या बीपीएससी ऐसे बड़े बड़े जो कमीशन हैं वहाँ भी गलती होता है। तो ये बात, तो पहला बात तो हम ये कर दें कि गलती हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि जो जेपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज है, जो महाटेस्ट का टेस्ट सीरीज है, इसमें अभी ये टेस्ट हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे और मुबिसाला ऐप पे। भविष्य में ये ऐप पे ही टेस्ट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा सब लोग, सबके पास मोबाइल, स्मार्टफोन, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने फ्रेंड के मोबाइल के, फ्रेंड के दोस्त के, मतलब स्मार्टफोन पे फोन पेपर लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्व कर रहे हैं या सॉल्व किए, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए बात था कि ओ मार्कशीट जो है उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर उसे कर लीजिए। अगर प्रिंट आउट निकालने की भी व्यवस्था नहीं है, तब क्या करना है आपको, सादे कागज़ में 1, 2, 1, 2, 1, 2 से लेकर 100 तक लिख करके उसका आंसर 1 का A, 2 का B, 3 का C ऐसे करके लिखना। और जो ऐप में, तो ऐप में कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐप पे अपना टेस्ट देंगे, सबमिट कर देंगे, रिजल्ट जो होगा उस सब जो है सो सबका मिला के निकाला जाएगा, जो रिजल्ट होगा सबका मिला के निकाला जाएगा। तो अभी अच्छा, एक बात और, ये जेपीएससी जो टेस्ट होगा, जो जेपीएससी टेस्ट होगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपका टेस्ट पेपर 1, 2 और टेस्ट कोड। जैसे कि मान लिया जाए ये जो पेपर था, ये पेपर था आपका जेपीएससी, ये पेपर अभी जिसको डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, जेपीएससी पेपर 1 का पहला टेस्ट है, ठीक है ना। तो जेपीएससी पेपर 1 लिखना अनिवार्य है, और उसमें टेस्ट कोड, जो टेस्ट का कोड है वो था आपका 0001। अब अगला टेस्ट क्या होगा, होगा 0002, उसका क्या होगा 0003, अगला क्या होगा 0004। तो ऐसे जो है सो जेपीएससी पीटी पेपर 1 का चलेगा। इसी प्रकार से पेपर 2 का क्या होगा, पेपर 2 का चलेगा जेपीएससी पीटी पेपर, यहां पे 2 रहेगा, पेपर यहां पे 2 आ जाएगा, एक एक के बदले। और टेस्ट कोड में क्या हो जाएगा, टेस्ट कोड हो जाएगा आपका 00, ठीक है ना, 0021, फिर होगा आपका 0022, 0023, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। तो ये तो जानना जरूरी कि ये गलती ना करें, क्योंकि ये गलती करेंगे आप, ये गलती कीजिएगा तो चेक करने में मुझे काफ़ी समस्या, जो मेरा टीम है, मेरा टीम मेरे को चेक करेगा, समस्या उसको आएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि चेक करने में थोड़ा सा इसको हमको दिक्कत नहीं हो। अब सबसे पहला बात है कि जो आज का जो ये आपका झारखंड लोक सेवा आयोग में जेपीएससी पीटी पेपर 1 टेस्ट कोड, ट्रिपल टेस्ट कोड जो है आपका 0001 है, उसका जो आंसर की है, वो आंसर की आप लोग सबसे पहले इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी हो तो ले लीजिए, इसको कर लीजिए। थोड़ा सा इसको हम ऐसे जूम कर देते हैं। साफ आ रहा है ना रोहित, मिस साफ आ रहा है ना? हाँ, तो आप हमको टाइम दे रहे हैं आपको 5-10 सेकेंड का 20 सेकेंड का। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आपका आंसर दिया हुआ है ना, 1 का A, 2 का A, 3 का D, 4 का C, 5 का A, 6 का D से करके आपका 100 का D ये है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, तब इसको हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम इसको बढ़ेंगे, कर कर लीजिए इसको, सफा रहा ना।
चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें है कि थोड़ा सा दो लाइन और है कि विस्तृत विस्तृत व्याख्या के लिए YouTube चैनल जोहार एडू कैंपस को फॉलो करें। मतलब जो टेस्ट दिए हैं या टेस्ट भविष्य में देंगे उसकी व्याख्या के लिए या तो ऐप पे अवेलेबल रहेगा या यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपका, हमारा YouTube चैनल जो है जोहार एडू कैंपस पर रहेगा, ये फ्री होगा। और JPSC PT या मेंस टेस्ट के लिए मैसेज या व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर आपका है 9599624827। अगर मेरा टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, हम लोगों का काम आपको पसंद आ रहा है, तो टेस्ट में जुड़ सकते हैं। टेस्ट में PT या मेंस या भाषा भी, सब टेस्ट चल रहा है, PT का चल रहा है, मेंस का चल रहा है, ठीक है, और कुछ लोग दे भी रहे हैं टेस्ट, और भाषा का भी चल रहा है, खोटा का, नागपुरी का, हिंदी का, अंग्रेजी का नहीं करा पाए हम लोग, तो अंग्रेजी का देखते हैं बाद में, देखा जाए अंग्रेजी का, देखते होगा तो, ऐसे भी क्षेत्रीय भाषा का ही दौर है तो वही करना चाहिए आप लोगों को। तो ये टेस्ट आपका चलेगा तो उसके लिए आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन बात है, अब जो बात है आपका, वो है आपका टेस्ट का, यही ना। अब जो है आपका ये टेस्ट में हम लोग देखते हैं, तो टेस्ट में कुछ खा नहीं, पेपर वन था, टेस्ट कोड वही था, मैक्सिमम मार्क्स 2 से। जो अभी भी थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं, जो बाद में थोड़ा सा जिनको कम जानकारी है, वो अभी भी रहते हैं कन्फ्यूज कि पेपर 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं होगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये बात तो आपको जानना ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं सीधे डिस्कशन में, डिस्कशन में इंग्लिश, हाँ क्या जूम करें तब ठीक, देखते हैं कर लेते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा बोल दे रहे हैं कि कभी कभी हम कराएंगे अंग्रेजी में, कभी कराएंगे हिंदी में, चूँकि आज ये फर्स्ट करा रहे हैं तो हमको सब कहा था, राय दिया कि हिंदी में करने के लिए हिंदी में कर लेते हैं, लेकिन आगे भविष्य में अंग्रेजी में भी होगा और हिंदी में भी डिस्कशन होगा। और ऐसे भी JPSC तैयारी करने वाले के लिए हिंदी अंग्रेजी कोई भाषा बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब पहला क्वेश्चन था, जूम करना पड़ेगा ना, पहला क्वेश्चन था हु वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020, ठीक है ना। तो ये इसमें आपका आंसर था, इसमें आपका आंसर था, इस सबको पता ही होगा, ये आंसर था आपका लुइस ग्लुक, लुइस ग्लुक जो है अमेरिका की एक है महिला है, ठीक है ना, कवित्री है लुइस ग्लुक, उनको मिला है ना। तो इस प्रकार से हम मतलब ये शुरू कर दिए। अब देखिए पुरस्कार जो है, खास करके पुरस्कार से हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और साथ साथ थोड़ा सा अप्रोच समझेंगे, जो भाई फर्स्ट वीडियो है इस टेस्ट का, तो जानना है अप्रोच भी कि JPSC चाहता क्या है और JPSC सवाल कैसे पूछता है या पूछने की संभावना है। जो सीनियर बहुत छात्र हैं वो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नए छात्र हैं वो थोड़ा ध्यान से सुन के आगे बढ़िए। तो इसमें क्या है कि इसे अब हमने कहा कि नोबेल प्राइज, अब देखिए नोबेल प्राइज से आना ही आना है, सवाल आना ही है, तो सबसे पहले कि इसको कर लीजिए नोबेल प्राइज की, भैया क्या क्या, इकोनॉमिक्स का क्या, शांति का क्या, फिजिक्स का क्या, मेडिसिन का क्या, इकोनॉमिक्स सब कर लीजिए। और एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि पुरस्कार, जो पुरस्कार है वो पुरस्कार से एक सवाल रहेगा ही रहेगा, पुरस्कार से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, पुरस्कार से आपका एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए आपको पुरस्कार कर ही लेना चाहिए JPSC PT के लिए एक होमवर्क के रूप में। अब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ लिखवा देते हैं ना, तो लिख लीजिए आप लोग पुरस्कार जो है कर ही लीजिए, तो पुरस्कार पूछेगा ही पुरस्कार, तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा, लिख लीजिए आप लोग पुरस्कार जो है, सबसे पहले लिख लीजिए अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डैश, 2 मिनट लगेगा, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, लिख लीजिए। ये है आपका पॉल आर मिलग्रो, हम पहला बोले हैं अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र का है पॉल आर मिलग्रो, है ना, पॉल आर, लिख दें क्या बोर्ड पे, पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट वी विल्सन, योगदान पूछता है बहुत कि ये किसके लिए मिला है, तो ये मिला है ऑक्शन थ्योरी के लिए, ठीक है ना, ऑक्शन थ्योरी के लिए मिला है, नीलामी का सिद्धांत, इकोनॉमिक्स में एक है ऑक्शन थ्योरी, जो नीलाम करते हैं सामान उसके लिए मिला है, याद भी हो जाएगा योगदान, तो याद भी जब सामने अभी बस हम बोल रहे हैं और आप सुनिए याद हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का। दूसरा आपका है नोबेल शांति पुरस्कार 2020, नोबेल शांति पुरस्कार 2020, ये मिला है आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है ना, FAO, है ना, वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ये किसके लिए मिला है, ये वास्तव में जो युद्ध क्षेत्र है, जो वास्तव में युद्ध क्षेत्र है और वहाँ जो लोग जा करके
ये संगठन के लोग जा करके लोगों की भूख मिटा रहे हैं, खाना दे रहे हैं। अब मान ली कहीं अभी हुआ ना अजरबैजान में और आर्मेनिया में युद्ध हुआ, कितना हुआ, तो ये संगठन वहाँ पे अब बहुत लोग विस्थापित होते हैं, बहुत लोग भूख से मर रहे हैं, लोग वहाँ से छोड़ना मतलब जगह छोड़ना पड़ा है, कैंप बने हुए, तो उन कैंपों में जा जा करके जो मतलब भूख से लड़ने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, उनको खाना पहुंचा रहे हैं, इसीलिए उसको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात आपकी हो गई साहित्य का नोबेल, ये जो हो ही गया एकदम इंपॉर्टेंट है, साहित्य का नोबेल ये मिला है लुइस ग्लूक को, अमेरिका की ये कवित्री हैं और ये काव्यात्मक आवाज़ के लिए मतलब काव्यात्मक पोएटिक मतलब पोएट्री लिखती हैं, बहुत अच्छी पोएट्री लिखती हैं, इसलिए इनको मिला है। अगला आपका है साहित्य का नोबेल, सॉरी रसायन विज्ञान का नोबेल। तो रसायन विज्ञान का नोबेल जो है सो मिला है फ्रांस की इमैनुअल चारपेटियर, ठीक है, इमैनुअल चारपेटियर। अब बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, चूँकि लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग कर लीजिए, फ्रांस की इमैनुअल चारपेटियर और अमेरिका की जेनिफर डोना, जेनिफर डोडना को मिला है, नाम बहुत टेढ़ा है, जेनिफर डोडना, ये दो को मिला है। किसके लिए मिला है, तो ये मिला है आपका जीनोम एडिटिंग के लिए, विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है ना, जीनोम एडिटिंग के लिए इनको मिला है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए आप रसायन विज्ञान। अब लास्ट ही एक दो बच्चा फिजिक्स कर लीजिए, भौतिकी कर लीजिए, भौतिकी का लिखिए, ठीक है ना, रोजर पेनरोस, भौतिकी का है रोजर पेनरोस, ठीक है ना, ये ब्रिटेन के हैं, और ऑन्द्रिया गेज, ऑन्द्रिया गेज को मिला है, ऑन्द्रिया गेज को मिला है, ठीक है ना, ये मिला है आपका ब्लैक होल, ब्लैक होल संबंधी काम के लिए इनको मिला है, ठीक है ना, रोजर पेनरोस ब्रिटेन को और ऑन्द्रिया गेज अमेरिका को, और लास्ट आपका है चिकित्सा विज्ञान का पुरस्कार, ये मिला है आपको हावी जे ऑल्टर कॉमा माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। फिर से बोल दे रहे हैं, हावी जे ऑल्टर कॉमा माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ये मिला है हेपेटाइटिस बी के लिए। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज में, हमेशा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए मिला है, किस काम के लिए मिला है, ठीक है ना। तो ऑक्सन थ्योरी जबान में याद रख लीजिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम काव्यात्मक आवाज़ के लिए मिला है उनको लुइस ग्लूक को, जीनोम एडिटिंग और ब्लैक होल और हेपेटाइटिस बी। तो ये अगर पूछेगा इस साल तो आपको इतना से एक सवाल आपको पूछ सकता है, तो कर लीजिए। तो ये था आपका नोबेल प्राइज, जो कि ये पहला सवाल था। थोड़ा सा हम लोग अभी स्लो हैं, लेकिन आगे आगे थोड़ा सा फास्ट होंगे, तो निकालते हैं हिंदी से ही करते हैं, है ना, आ रहा है साफ ना उमेश? चलो ये आपका हो गया पहला का लुइस ग्लूक साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, लुइस ग्लूक को। दूसरा राजीव गांधी, देख लीजिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 29 अगस्त 2020 को किसको दिया गया, तो आपका टू का आंसर है ए, रानी रामपाल को। रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर हैं, रानी रामपाल बहुत हॉकी की वेरी पॉपुलर प्लेयर हैं और ये वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट कर गई थी, इनको पद्मश्री मिला है। रानी रामपाल जो हैं इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, और इस बार जो है सो राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इस एग्जाम में समझिए कि आता ही आता है, आएगा ही आएगा। अगला तीसरा आपका है पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, आर के सिंह इसका आंसर है। अबर जो है सो आई एस ए बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वास्तव में आई एस ए और फिक्की दोनों पार्टनर थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आई एस ए है और अगला आपका फिक्की है इंडिया का, ये लोग जो है पार्टनर थे, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सौर प्रौद्योगिकी सोलर टेक्नोलॉजी के लिए किया गया सम्मेलन, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किए हमारे आर के सिंह ने, तो आपका थ्री का ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर फोर में है अरुणोदय योजना जो है सो आपका, ठीक है, असम का है, ये आपका सी हो जाएगा ऑप्शन, ये असम का स्कीम है। अरुणोदय योजना का मतलब यहाँ पे जो वंचित समूह लोग हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनके सहायता के लिए स्कीम चलाया जा रहा है आपका असम राज्य के द्वारा, ठीक है ना, फोर का आपका ये है। अगला आपका है नंबर फाइव में आगे बढ़ते हैं हम लोग,
नंबर फाइव में आगे बढ़ते हैं। नंबर फाइव है आपका, नंबर फाइव है आपका चैत्र यात्रा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को ड्यू टू कोविड 19 रद्द कर दिया गया, तो ये इसका जो आंसर है ये आपका होगा उड़ीसा। चैत्र का मतलब चैत माह, यात्रा का मतलब यात्रा। वास्तव में उड़ीसा में एक तरनी हिल है ना, तारा तारनी पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे बहुत मान्यता इसकी जो यात्रा है, ये चूँकि धार्मिक यात्रा है, बहुत लोगों की आस्था है, ठीक है, और ये निकलता है वहाँ बहुत वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। लेकिन सरकार ने ड्यू टू कोविड 19 इसको जो है सो पोस्टपोन्ड कर दिया। हर सवाल का हम एक आध दो लाइन ही बोलेंगे, चूँकि ज़्यादा बोलेंगे तो ये जो डिसीजन है वो हो जाएगा 2 घंटे का 3 घंटे का, सब उब जाएंगे। ऐसे भी हमको बार बार लोग बोलते हैं कि भाई डिस्कस करने में समय कम लिया जाए, चूँकि इतना समय ज़्यादा लेंगे तो उब जाएंगे लोग, इसीलिए एक ही एक दो पॉइंट या की पॉइंट हम उसका बोल के निकलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए छठ यात्रा उत्सव है उड़ीसा का था, ये धार्मिक यात्रा थी, तरन तारण हिल जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर ये होता है, बहुत पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं नंबर सिक्स पे, ठीक है ना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे इस बार जो है, देखिए आप लोग जब भी आप लोग जो है ना रैंकिंग वाला कर ही लीजिएगा, रैंकिंग वाला से भी आपका एक सवाल हमेशा रहता है, एक सवाल आपका रैंकिंग वाले से रहेगा। तो मेरी एक राय है कि जहाँ जहाँ रैंक है उसको कर लीजिएगा। अब कहाँ कहाँ रैंक वाला करना या बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करेंगे किस में, इसको हम लोग करेंगे जब क्लास करेंगे करंट अफेयर्स का, करंट क्लास चलेगा फ्री होगा सबके लिए, उसमें हम करवा देंगे कि कहाँ कहाँ कर लिया जाए, सूचकांक वाला और रैंक वाला। तो ये आपका हो गया IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन सेवन नंबर, किस राज्य द्वारा जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर होगा। अभी जो है सो बायोडाइवर्सिटी काउंसिल या बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत सारी काम किया जा रहा है, बहुत सारे मतलब स्टेट में, झारखंड भी है, केंद्र सेंट्रल लेवल पे 2002 में अधिनियम भी आया हुआ है, और बाकी राज्य भी इस पर काम कर रहे हैं। तो बायो मैंने कि क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का जो गठन किया गया, ये किया गया आपका जम्मू कश्मीर में, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगला आपका है, आगे बढ़ते हैं फिर, आठ नंबर जलवायु, हाँ क्लाइमेट इमरजेंसी, जलवायु आपातकाल जो है, जो क्लाइमेट इमरजेंसी है वो आपको न्यूजीलैंड में किया गया, न्यूजीलैंड में हुआ है, हाँ न्यूजीलैंड, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर होगा ए, न्यूजीलैंड, ठीक है ना। क्लाइमेट इमरजेंसी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि क्या है ये क्लाइमेट इमरजेंसी। क्लाइमेट इमरजेंसी वास्तव में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि मान लिया जाए जलवायु जो बदल रहा है, या जलवायु चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, जो मानसून का पैटर्न है, जो वर्षा का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है, कहीं तापमान बहुत बढ़ जा रहा है, अकाल पड़ जा रहा है, तो ये सब जो चेंजेस पूरा वर्ल्ड में हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कहीं अगर ज़्यादा होने की संभावना है, कोई ऐसा देश है जिसका कोई आइलैंड है डूबने की संभावना है, तो वे देश क्या करते हैं, हाँ यूरोप में लगाते हैं क्लाइमेट इमरजेंसी। मतलब अब हमारा इमरजेंसी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे है कि जो हमको अवेयरनेस बढ़ाना है, अवेयरनेस फैलाना है, और अगर जिस कारणों से ये जो तापमान बढ़ रहा है, या जो द्वीप है डूब रहा है, या सूखा पड़ रहा है, या अकाल हो रहा है, इन कारणों का पता लगा के उसका निदान करने की बात है, इसमें इस कंट्री ने लगाया, वो था आपका न्यूजीलैंड क्लाइमेट इमरजेंसी। और थोड़ा सा विस्तार जानने के लिए गूगल पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर नाइन है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, तो इसका आंसर आपका है अपना झारखंड। वास्तव में झारखंड में जो STSC अल्पसंख्यक जो छात्र हैं, या वैसे छात्र जो बाकी सब स्कीम से थोड़ा दूर, माने बाकी सब का लाभ उठाने के बाद भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो उनको अलग से स्कॉलरशिप देने के लिए बात की गई है। अभी आप देखिएगा झारखंड में क्या हुआ, दो बातें हुई है झारखंड में, एक हुआ है कि 40 जो प्लेयर हैं उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया गया है नॉक जॉब के लिए, पहला, और दूसरा 10 छात्रों को बाहर भेजा गया, इंडिया से बाहर भेजा जाएगा पढ़ने विदेश, तो ऐसे सब काम हो रहा है। तो ये जो है
विशेष मुख्यमंत्री विशेष छात्र जो स्कीम शुरू हुआ है वो अपना झारखंड में हुआ है। झारखंड संबंधी अगर कोई भी स्कीम है तो उसको आप लोग कर लीजिए, स्कीम से सवाल आपका रहेगा ही रहेगा, आपका 5 सवाल पेपर 2 में रहेगा और हो सकता है कि पेपर 1 भी 1 सवाल रहेगा। तो 5 सवाल पेपर 2 में और 1 सवाल पेपर 6 सवाल खाली स्कीम से रहेगा। तो इसलिए स्कीम को इग्नोर करना बहुत मूर्खता होगा जेपीएससी पीटी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका लोक सेवा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है, सवाल नंबर आपका 10 है ना, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष, तो इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी, इसका झारखंड था, इसका न्यूजीलैंड था, ठीक है ना, अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद अगला, लगातार दूसरी बार चुने गए राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का संबंध किस देश से है, ये पोलैंड के हैं, आंद्रेज डूडा जो है सो पोलैंड के हैं आपके राष्ट्रपति। अगर किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का कोई महिला प्रमुख बनती है तो उसको आंख बंद करके आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, साथ साथ जो जेपीएससी पीटी में अप्रोच है सवाल पूछने का, हम लोग उसको भी करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जेपीएससी पीटी में सवाल तो आएगा ही, मतलब ये तो करेंगे ही, लेकिन अप्रोच क्या है। जैसे कि मान लिया ये हम पूछे ना कि राष्ट्रपति, अगर किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी संगठन का प्रमुख कोई महिला बनती है तो समझिए कि एग्जाम में वो पूछेगा ही पूछेगा। आप देख लीजिए जेपीएससी या बीपीएससी का उठा देख लीजिए आप, ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा पूछता है। तो ये आपका हो गया पोलैंड। अगला होगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, ठीक है ना, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आपका जो है सो 10 सितंबर, ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 सितंबर दिवस। पूछता है कभी कभी, अगर पहले वनडे के छात्र रहे हैं तो आप कर लिए होंगे, नहीं तो देख लीजिए इसको, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो ये भगवान है विष्णु। पद्मनाभ मंदिर जो है सो बहुत पॉपुलर मंदिर है केरला में, ठीक है, और भगवान विष्णु के प्रति वहाँ पर अपार आस्था है, तो ये पूजा होता है, ये आपको विष्णु हो जाएगा। अगला, भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रांड गेज डीजल सौंपे, तो ये आपका है 10। डाटा वाला कुछ कुछ है इसको कर लीजिए, तो संख्या का दो पूछ सकता है, ठीक है। किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया गया, तो ये है आपका तेलंगाना। अब ये फेस रिकॉग्निशन ऐप वास्तव में है क्या, फेस रिकॉग्निशन ऐप, इसमें होता क्या है कि जो चुनाव होता है वो चुनाव, जैसे कि मान लिया जो आपका चेहरा है, आपका जो चेहरा है, यहाँ चेहरा जो बना हुआ है, जो चेहरा है वो आधार कार्ड से लिंक है। अब वो क्या किया कि उस ऐप को लिंक कर दिया आधार कार्ड से, और जैसे ही आप जाते हैं वोट देने के लिए तो आपका नाम, आपका उम्र है ना, आपका एड्रेस का भी कुछ पार्ट रहता है, उसको देखा और साथ साथ फेस को मैच किया, वो जो ऐप है उससे फेस मैच हुआ, तो उस ऐप में और आपके आप जो वोट देने आए हैं लेकर के उसमें दोनों मैच हुआ कि नहीं, अगर मैच हो गया इसका मतलब ओके, ठीक है, आप वोट दे सकते हैं, और अगर फेस मैच नहीं हुआ तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। तेलंगाना में बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि जो आधार कार्ड लेके गए कुछ, किसी का फोटो गलती होता है, बहुत सारा फोटो किसी का उल्टा पलटा आ गया, तो इसमें बहुत विवाद हुआ था, कुछ लोग को वोट नहीं देने दिया था, तो जो वोट लोग नहीं दिए थे वो लोग काफ़ी हल्ला हंगामा भी किए थे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि फेस रिकॉग्निशन जो ऐप है वो आपका तेलंगाना में शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला आपका है अगला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन का कार्य संपन्न हुआ। अब इसमें देखिए एक बात आप जान लीजिए, जब आपको एग्जाम में सवाल हल्का दिखाई दे तो वहाँ पे रुकिए कुछ दिन के, रुकिए 10 सेकंड के लिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहीं पे गलती होता है, 10 सेकंड के लिए आप रुक जाइए, चूँकि आपको हो सकता है जल्दीबाजी में आप सवाल को हल करते हुए गलती कर दें, ठीक है। अब सवाल है कि झारखंड राज्य गठन का कार्य संपन्न हुआ, ठीक है ना, अब हो सकता है कि कोई 9 नवंबर भी लगा सकता है आंसर, जबकि वास्तव में ये 15 नवंबर इसका आंसर है, ठीक है ना, इसका जो आंसर है सो आपका 15 नवंबर है,
और ये झारखंड के बच्चों के लिए हो सकता है कि बहुत आसान हो, लेकिन जो झारखंड से बच्चे बाहर के हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, उनके लिए समस्या हो सकती है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत आसान, जैसे एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। अचानक पूछ दीजिए, अचानक किसी पूछ दिए ना एग्जाम में, पूछे पूछे टेस्ट में ना, तो लगेगा कि 24 था, खूंटी बढ़ गया है, रामगढ़ आ गया, 26 तो नहीं हो गया, 25 तो नहीं हो गया, ये आदमी कन्फ्यूज़ करता है। तो इसलिए अब हो सकता है कि अकबरा की आपको ऐसा फील होगा एग्जाम हॉल में कि नहीं भाई, पहले 24 डिस्ट्रिक्ट था, हमको लगता है कि अब बढ़ के 26 हो गया है, ऐसा हमको लग रहा है, 26 लगा देंगे। आपने याद करके भी, आपको याद है, आप एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मेरा यहाँ पे कहना है कि जब JPSC एग्जाम में आप बैठिए तो सवाल हल्का दिखे तो रुक जाइए, 5-10 सेकंड रुकिए कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, पूरा पढ़िए। हिंदी में समझ ठीक से नहीं आ रहा तो अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन उसको चूंकि ज़्यादा, कभी कभी देखा गया है कि जो सवाल ज़्यादा हल्का ज़्यादा गलती होता है। तो ये आपका है, आपका 15 नवंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किस किस संगठन का निर्माण किया, ये था आपका मुक्ति वाहिनी सेना। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का पूरा पढ़िएगा जाके गूगल पे, ये आपको दे देना होमवर्क, तो पढ़िएगा इनको, ये आपको होमवर्क देना है। हमेशा पूछता है 1857 क्रांतिकारी में, तो ये क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ रहे थे, या अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े, जो टीम बना के काम कर रहे थे, ये गोपनीय रूप से बनाए हुए थे मुक्ति वाहिनी सेना के नाम से, ठीक है। ये पकड़ में शुरू में नहीं आई, बाद में जब ये हल्ला हुआ कि इसके इसको बना करके काम करें सहदेव जी, तो फिर जो है सो इस पर प्रतिबंध लगा और बहुत सारी बातें हुई। तो ये आपका इसका आंसर जो 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 19वां, किस आंदोलन का उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था, तो ये आपका यह सफा होड़ा हो जाएगा। अब विद्रोह, विद्रोह भी आपका होमवर्क है, जहां दिखाई पड़े सफा होड़ आंदोलन, मुद्रा मुंडा विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह, तिलका विद्रोह, फटाफट फटाफट उसी समय हाथ में फोन है ही, जाए गूगल पे सब पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखिए, अब हम विद्रोह का पूरा विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आपका है, वो है आपका महतो के पंचायती आदेश को लोगों के पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये आपका हो गया मांझी। मांझी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ऐसे वास्तव में मांझी हेड भी होता है कहीं कहीं, और मांझी के, मांझी का बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन उन कामों में एक और काम है कि महतो जो है उनका पंचायती आदेश हुआ तो जो मुंडा मान की व्यवस्था या जो मांझी सिस्टम है पूरे झारखंड का, उसमें ये काम करते हैं कि आदेश को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा विवाद भी है, इस सवाल में विवाद भी है, ठीक है, इस सवाल में विवाद भी है, क्योंकि कहीं कुछ बोलता है, लेकिन एक बार एग्जाम झारखंड में हुआ है किसी का, मतलब लोकल लेवल पे जो कोई हुआ, कोई सब इंस्पेक्टर का या कुछ उस टाइम हुआ था वनरक्षी का, उसमें सवाल था, और उसमें सवाल जो है उसमें मांझी दिया गया था, तो आंसर की जो दिया गया उसको मान लेते हैं, मांझी इसका है। अगला, दुर्जन साल, दुर्जन साल किस मुगल का शासन, ठीक है, जहांगीर, खूब पूछा है ये, एग्जाम पूछा गया है, ये जहांगीर वास्तव में था नागवंश शासक, है ना, नागवंशी शासक था, ये नागवंश का शासक था, नागवंशी शासक था, और ये खूब पूछा गया है, दुर्जन साल, इसके पिता का नाम था, इसके पिता का नाम था बैरी साल, बैरी साल भी पूछा है, बैरी साल भी पूछा है, बैरी साल भी पूछा है, बैरी साल, ताला विषय होता, हम गलती लिख दिए थे, बैरी साल भी पूछा है। तो दुर्जन साल के पिता बैरी साल, दुर्जन साल शासक नागवंशी, ठीक है ना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नागवंश के जितने शासक हैं सारे सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग कर लीजिए इसको, कौन शासक कहाँ है, कब बना, धनी तो संभव नहीं है पर यहाँ बताना, जो बताएंगे बहुत लंबा समय लगेगा, कौन शासक कब बना, कैसे क्या बना, और कब कैसे अपना, खास करके राजधानी, राजधानी जो इन लोग बदला है ना उसको आप लोग कर लीजिएगा, राजधानी जो चेंज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कौन लिया गया, पहले कहाँ था, तो रामगढ़ था, इचाक ले गया, कदमा ले गया, सुतियांबे ले गया, ये सब सारा देख लीजिएगा आप लोग। अगला, रामगढ़ अधिवेशन के संस्था सभास्थल का नाम क्या था, ये था आपका मजहर नगर। रामगढ़ अधिवेशन आपके बिहार जो अभी झारखंड में हुआ था 18 से 20 मार्च 1940 को हुआ था, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, और ये रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और ये अधिवेशन जो स्थल था उसका नाम था मजहर नगर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मजहर नगर। अगला है, रामगढ़ राज के संस्थापक कौन थे, बागदेव, है ना, ये तो सवाल इतना बड़ा चुका है, रामगढ़ राज के संस्थापक
तीन चार पांच बार आ चुका है कितना एग्जाम में, झारखंड का प्रीवियस देखिएगा पुराना इतिहास एग्जाम में बहुत बार ये पूछ चुका है, ठीक है ना। बागदेव आगे हो गया। अगला, अशोक के किस अभिलेख में छोटा नागपुर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 13वां अभिलेख, ये आपका हो जाएगा 13वां अभिलेख। तो 13वां अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक के अभिलेख भी आप कर लीजिए अगर कर पाते हैं तो, सारा नहीं तो कम से कम कुछ कर लीजिए, ठीक है। अगला, झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन कब हुआ, झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन कब हुआ, तो इसका जो पीरियड है यह 500 ईसा पूर्व। ऐसा माना जाता है कि झारखंड से पहले, ऐसा कहते हैं ना कि आदिवासी यहाँ के एकदम मूल निवासी, ऐसा बात चलती है झारखंड में ना, लेकिन ये बात जान लीजिए कि संथाल या मुंडा से पहले भी झारखंड में पहले कुछ लोग रहा करते थे, जैसे एग्जांपल असुर, जैसे बिरहोर, ये आदि जनजाति है, ठीक है। मुंडा की, मुंडा संथाल का तो बाद में एंट्री हुआ है, असुर, अब असुर जैसे इन लोग एंट्री किए तो असुर लोग भागना शुरू किए, भागते भागते पीछे आते आते असुर लोग जो है सो नीचे की ओर आ गए, ठीक है ना। तो सब ये जो समय है झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन का, ये आपका है 500 ईसा पूर्व। इसका मतलब कि 500 ईसा पूर्व से पहले वहाँ पे असुर रहा करते थे, कुछ क्षेत्रों में बिरहोर भी रहा करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका है पोस्टकॉर्म, पोस्टकॉर्म जो है, ठीक है ना, पोस्टकॉर्म आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पोस्टकॉर्म आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका लुथिर गुलिक, ये आपको जेपीएससी मेन्स से पढ़ना है, जेपीएससी मेंस एग्जाम में आपको ये पढ़ना है पोस्टकॉर्ब के बारे में। पोस्टकॉर्ब एक बेसिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में लुथर गुलिक ने बताया कि जो प्रशासन होता है, जो लोग होता है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे चलेगा और चलने का जो बेसिक थ्योरी है इसको दिया गया पोस्टकॉर्ब। तो पी फॉर प्लानिंग, है ना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, है ना, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये आपको ये जेपीएससी में मेंस में पढ़ना है। फिर से देख लीजिए, पी फॉर प्लानिंग, ठीक है ना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर ड्राफ्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। तो ये पोस्टकॉर्ब का फुल फॉर्म है और पोस्टकॉर्ब जो है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एड का ये बेसिक सिद्धांत, बेसिक थ्योरी है। और लुथर गुलिक ऐसे, बाकी ये देखिएगा जब पब्लिक एड में, तो लुथर गुलिक के अलावा साइमन हर्बर्ट, ठीक है, और डी वाल्डो, साइमन हर्बर्ट और डी वाल्डो का भी थ्योरी हमको बहुत सारा पढ़ना है, इसको विस्तार नहीं करेंगे, आप देखिएगा इसको मेंस में हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन लुथर गुलिक का जो थ्योरी है ये पोस्टकॉर्ब बहुत वेरी पॉपुलर है, यहाँ तक कि जेपीएससी इंटरव्यू में भी ये पूछा गया सवाल है। तो आप देख लीजिए ये पोस्टकॉर्ब के फुल फॉर्म जो है सो जेपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया था। जो पब्लिक एड वाले होंगे, जिनका बैकग्राउंड पब्लिक एड रहा होगा, उनको पता होगा कि ये पोस्टकॉर्ब क्या है। वो थोड़ा सा हम तो कम जान रहे हैं, लेकिन जिनका पब्लिक एड होगा वो विस्तार से जानते होंगे कि लुथर गुलिक ने क्या थ्योरी दिया। ये हो गया। अगला आपका है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मुख्य तत्व नहीं है, तो लोग गुड गवर्नेंस का जो मुख्य तत्व है वो नहीं है क्या, वो नहीं है सिंपल, जैसे कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ये होगा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, है ना, ट्रांसपेरेंसी ये होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लोगों के कानून को जानना ये तत्व नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, 27 का आंसर डी होगा आपका, लोगों का कानून जानना ये गुड गवर्नेंस का पार्ट नहीं है, जबकि लॉ, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है सो गुड गवर्नेंस का पार्ट है। अगला है 125वां संविधान संशोधन, ये जो है जुड़ा हुआ है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, ये जुड़ा हुआ है आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। ये इसका आंसर है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, देख लीजिएगा जो अमेंडमेंट भी। आगे बढ़े 29 का होगा आपका बी, लोकसभा का जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही सिर्फ पास किया जाता है। ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लंबा पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, चूँकि आप लोग को। अगला सवाल है आपका 30 नंबर, तो 30 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 30 नंबर सवाल है, इंग्लिश मीडियम है, इसको भी देख लीजिएगा। झारखंड में कितने जिले हैं, झारखंड में 24 जिले हैं। अंतर्राज्यीय स्थापित पर्यटक अधिकार राष्ट्रपति को है,
ठीक है, ये सब सब सिंपल सिंपल सवाल है, देख लीजिए इसको, ठीक है ना। 32 में खाली आपको एक चेंज करना है, 32 में आंसर तो यही होगा, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट है इसको बदले में हटा दीजिएगा इसको, और इसको लिख दीजिएगा कराची अधिवेशन, क्योंकि गलती हो गया है थोड़ा सा, ये गलती हो गया है एक्चुअली, जिसको टाइप करने दिया गया था, उसको एरर में इसको नहीं किया, तो हम फिर से बोल दे रहे हैं 32 का आंसर यही होगा, और ये जो नेहरू रिपोर्ट 28 है इसको हटा के लिख दीजिएगा कराची अधिवेशन, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना है, चूँकि ये हमसे मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या बोला गया था टाइपिंग वाले को देख लीजिएगा लास्ट में, लेकिन नहीं कर पाया, तो 32 नंबर का ये होगा, ठीक है ना। अब आपका हो गया 33 नंबर, 33 नंबर देखते हैं, तो 33 नंबर जो है सो आपका ओबीसी एसटी एससी को निजी और अनएडेड सही सही जो शिक्षक संस्थान है उसमें संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है आरक्षण, तो ये सिंपल से 15 अनुच्छेद 15(5) आप लोग जो है सो फंडामेंटल राइट 12 से 35 रट लीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। अब ये बच्चों वाली बात है, 12 से 35 है, अनुच्छेद 15(5) में मिलता है, 15(5) 15(4) 16(4) 16(5) हमेशा पूछा गया है, ये तो आपको करना पड़ेगा, आर्टिकल खुद से कर लीजिए, ठीक है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हमेशा पूछा गया है आपका एग्जाम में। 34 का है अनुच्छेद 17, देख ही रहे हैं अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता पता ही है, अनुच्छेद 17 जो सिंपल सवाल था, पंचायती राज व्यवस्था आपका हो जाएगा, है ना, पंचायती राज व्यवस्था सवाल नंबर 35 है ना, 35 कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्नानुसार है, तो क्या है, डीपीएसपी है, क्योंकि आर्टिकल इसका 40 है, इसका आर्टिकल आपका है 40, तो ये आपका ये हो जाएगा डीपीएसपी, इसका हो जाएगा आंसर सी। 36 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 36 का आंसर आपका डी होगा, कहता है कि आर्कटिक सर्कल पर दोपहर कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना, आर्कटिक सर्कल पे दोपहर होता ही नहीं है, जब आर्कटिक सर्किल होता है वहाँ दोपहर होता ही नहीं है, जब दोपहर होता ही नहीं है तो फिर ये आपका अपने आप में गलती हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर है, ये थोड़ा देख लीजिए, ये क्या है, ओजोन होल के बारे में ये थोड़ा सा जानने का बात है कि ओजोन चित्र कहाँ अधिक स्पष्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव। ये कैसे होता है देख लीजिए, वास्तव में होता क्या है, मान लिया जाए ऐसे अगर पृथ्वी है, ठीक है ना, तो ऐसे है ना, अब ये क्या है, ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया पोल। अब मान लिया जाए यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हवाएं या जो पोल्यूशन है ये उठ के ऊपर आएगा, जब ऊपर उठ के पोल्यूशन आएगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो या तो बाएं या दाएं घूमेगा, ये जो धीरे 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 सब इधर की ओर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तापमान थोड़ा सा कम रहेगा इसकी तुलना में। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन छिद्र है, वो हमको ज़्यादा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ भी पॉल्यूशन होता तो यहाँ भी दिखाई पड़ता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और पोल में जो है तो सो ड्यू टू पॉल्यूशन वहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो गया 37 का ध्रुव, इसमें बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं लेकिन ये इसका ध्रुव ही होगा आंसर, ठीक है ना। 38 का होगा आपका सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे, है ना, पी तरंगे और एस तरंगे दो होता है, पी फॉर प्राइमरी वेव्स एंड एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, है ना। तो प्राइमरी वेव्स क्या होता है, प्राइमरी वेव्स में ठोस तरल और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता जाता है, जबकि जो सेकेंडरी वेव्स है वो आपका सिर्फ ठोस में होता है, है ना। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो होता है आपका सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स जिसको हम एस वेव बोलते हैं, और एस वेव जो है सो सिर्फ ठोस में ही ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका 39, कौन सा आंसर सही नहीं है, तो ये आपका 39 का आपका बी हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें विवाद है लेकिन फिर भी अभी इसको बी मान लीजिए, एक क्वेश्चन को हम रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसे मान लीजिए, इसको बी अभी मान लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद आपका आ गया ट्रोपोज 40 नंबर, इंग्लिश वाले कर लीजिएगा, जिनका इंग्लिश है इंग्लिश कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। अब प्रयास करेंगे कि एक आध दो
लिसन जो है सो अंग्रेजी में हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी संख्या ज़्यादा है तो भी कर लेते हैं। 40, तो 40 में 40 का आंसर जो होगा 40 का वो सी होगा। वास्तव में ये जो ट्रोपॉज है ये वास्तव में क्या है, ये ट्रांजिशन एरिया है, वास्तव में ट्रांजिशन एरिया है, ये हमेशा ट्रांजिशन एरिया है। तो ट्रांजिशन एरिया साफ, जब ट्रांजिशन एरिया वो साफ है इसलिए इसको कहा जाता है कि मिश्रण मिश्रण का एक क्षेत्र है। तो कौन सा ये सही आपका हो जाएगा, सी। उसके बाद 41 का, 41 का देख लीजिए, 41 का जो आपका आंसर है, 41 का जो आंसर है वो आप मिला लीजिएगा, 41 का आंसर आपका जो है सो डी है। अब कैसे कैसे क्या होगा कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, ज़्यादा इसको विस्तार हम लोग नहीं करेंगे। 40 का मिला लीजिएगा, इसका आंसर आपका 41 का आपका डी होगा, ठीक है ना। अब आते हैं 42, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 42 42 आते हैं, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। 42 में कहता क्या है, जलवायु चरम पर है, जलवायु चरम पर है, जलवायु चरम पर क्या है का ये मतलब होता है कि यहाँ का जो, यहाँ जो जलवायु होगा बहुत कठोर होगा, कठोर, ठंडा तो खूब ठंडा, गर्मी तो खूब गर्मी, बारिश तो खूब बारिश, इसीलिए कहा कि जलवायु चरम पर है, बिखराव में बारिश और लोग खाना बदोश चरवाहे थे। जब जहाँ इतना, जहाँ इतना बारिश होगी और जहाँ इतना गर्मी पड़ेगा, जहाँ इतना ठंडा पड़ेगा, तो एक जगह पे लोगों का टिकना मुश्किल हो जाएगा और लोग खाना बदोश होंगे। जो लोग खाना बदोश होते हैं वे सामान्यतः चरवाहे ही होते हैं, जो कृषि कार्य वही करता है जो बसता है। जब बसेगा ही नहीं तो कृषि क्यों करेगा, वो क्या करेगा, पशुपालन करेगा, चरवाहा काम करेगा। सबसे इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका मध्य एशियाई स्टेपी। मध्य एशियाई स्टेपी जो है उसका विशेषता है यहाँ पर ठंडा, खूब ठंडा, गर्मी बहुत गर्मी, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश, तो इसलिए इसका आंसर होगा मध्य एशियाई स्टेपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्पेनिश, किस देश के लिए स्पेनिश एक आधिकारिक भाषा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य का जो भाषा है वास्तव में वो फ्रेंच है, फ्रेंच भी है, और ये है आपका किकोंगा, 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 जाना नहीं है इसका विधान लिए, किकोंगा, किकोंगा है ना, किकोंगा है, और एक आपका है लिंगाली, लिंगाली, लिंगाली है। तो लिंगाली ऐसा भाषा है, इसकी भाषा स्पेनिश नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा कांगो गणराज्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या कि किन में से किस सिद्धांत के अनुसार मानव संख्या, मानव संख्या यदि अनियंत्रित होकर एक नए ज्यामितीय दर से बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति केवल अंगणित दर से बढ़ती है। ये माल्थस का बहुत वेरी पॉपुलर है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको देखिए, वास्तव में माल्थस ने क्या कहा, माल्थस बहुत पुरानी बात है, माल्थस कब करके चला गया और थ्योरी आज माल्थस का फेल है, थ्योरी जो है सो आज कुछ जो थ्योरी है माल्थस का पूरी तरह फेल है। माल्थस कहता है बात, एक बात करता है वो अर्थमेटिक रेट का और एक बात करता है ज्योमेट्रिक रेट का। अब देखिए दोनों समझेंगे कि कहना क्या चाहता है और वो सॉल्यूशन क्या बताता है और सॉल्यूशन कैसे बाद के दिनों में बाकी विद्वानों से फेल कर दिया माल्थस के सिद्धांत को। तो देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि पहला बात हम करेंगे अर्थमेटिक रेट का, अर्थमेटिक रेट का, ठीक है ना, अर्थमेटिक रेट का। तो अर्थमेटिक रेट में क्या होगा, अर्थमेटिक रेट में पहले वन होगा, उसके बाद आपका टू होगा, ये थ्री होगा, फिर चार होगा, फिर पांच होगा, फिर छ होगा, ऐसे 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 बढ़ेगा, ये है अर्थमेटिक रेट। इसका जो रेट बढ़ने का दर है वो एक एक करके अब बढ़ रहा है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा हम लोग जाते हैं, ज्योमेट्रिक रेट, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक रेट। अब ज्योमेट्रिक रेट क्या होगा, तो ये होगा आपका दो होगा, यानी एक एक से करते हैं तो ठीक है, एक 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 है, फिर दो है, उसके बाद फिर चार है, चार का फिर आठ हो जाएगा, आठ का सोलह हो जाएगा, सोलह का बत्तीस हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ेगा। अर्थमेटिक रेट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के रेट से बढ़ रहा है, जबकि ज्योमेट्रिक रेट में वन के बाद टू दोगुना हो गया, दो चार हो गया, चार आठ हो गया, आठ सोलह हो गया, ठीक है ना, सोलह हो गया और फिर बत्तीस हो गया। तो ये आपका अर्थमेटिक रेट है और ये आपका ज्योमेट्रिक रेट है। कहता है कि माल्थस कहता है कि अर्थमेटिक रेट में जो है सो खाद आपूर्ति होगी, मतलब जो रिसोर्सेस होगा, जो भोजन होगा, जो खाना होगा, वो इस रेट में बढ़ेगा,
और जो आबादी जो जनसंख्या होगी वो बढ़ेगी ज्योमेट्रिक रेट में, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 8 मतलब जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कम पड़ जाएगा और आबादी काफ़ी अधिक हो जाएगी, जो भोजन आपूर्ति जो खाना है वो खाना कम पड़ जाएगा और आबादी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन, तो माल्थस कहता है इसका सॉल्यूशन है नेचर, इसका सॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये सॉल्यूशन प्रकृति खुद करेगी। कैसे करेगी प्रकृति? जब जनसंख्या बढ़ेगी अधिक तो बहुत सारी जलवायु या क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, तो उनके प्रभाव से लोग मरेंगे, बीमारी से लोग मरेंगे, भूकंप से मरेंगे, सुनामी आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, और ये सब कोरोना से सब लोग मर के फिर बैलेंस हो जाएगा। वास्तव में अब क्या हुआ, ऐसा हुआ शुरू में हुआ कि जनसंख्या बढ़ी, जब जनसंख्या कंट्रोल से बाहर हो गया, जो रिसोर्स है खाने का भोजन से जनसंख्या अधिक हो गया, तो ऐसा हुआ। लेकिन बाद के दिनों में मानव ने अपने बचाव के लिए उपाय करने शुरू किए, भूकंप से उपाय, बाढ़ से उपाय, सुनामी से उपाय, है ना, जनसंख्या वृद्धि होकर के बढ़ गया तो बीमारी बढ़ा, हैजा, प्लेग, वायरस से, बैक्टीरिया से, जितने सब उसका उपाय, फिर कोरोना उससे भी उपाय। अब क्या हुआ, मानव अपने आप को सेफ कर लिया, मानव आपके लिए बचा लिया, ठीक है, तो ये माल्थस का थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गया। और फेल होने के बाद ये जो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन वाली बात थी कि नेचर से ही ऐसा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। और आज देखिएगा कि आज जो है सो जो बैलेंस वाली बात है, जो बैलेंस वाली बात है वो बात पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि अभी जितना खाना है और जितना जनसंख्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उसी में उपाय निकल जा रहा है। और माल्थस जो यहाँ पे, तो ये माल्थस का कहना है कि किस सिद्धांत के अनुसार मानव जनसंख्या अधिनियंत्रित होकर एक ज्यामितीय दर से बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति केवल अंगणित दर से बढ़ती है, जिसको जानना था। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। तो यहाँ पे ऐसे इसका हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आपका 45 है, 45 का आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, डेंसिटी एरिया जो है सो 1, 2 का ही होगा, इसका आंसर जो है सो होगा आपका 1, 2। सब का विस्तार करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। 46 का ए, यहाँ पे विवाद है लेकिन विवाद रहने दीजिए, आयुर्वेद ही होगा। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो बिना धर्म, बिना जाति, बिना संप्रदाय, बिना रिलीजन के कहता है कि सबके लिए मतलब है ना, इसको माना गया दर्पेश शायद कहा गया है आयुर्वेद को। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन ऑलमोस्ट जो राय है वो राय है कि आयुर्वेद ही जो है सेकुलर लिटरेचर है, ठीक है। आगे बढ़िएगा 47 में मगध वाला, तो मगध के राजा अजातशत्रु, इसका कहानी इंटरेस्टिंग है। अजातशत्रु का एक और नाम था कुनिक, और अजातशत्रु पे आरोप लगता है कि अपने पिता का हत्यारा ही था, और इसको कहा गया पितृहंता, पितृहंता मतलब अपने पिता को मारने वाला। इसका पिता कौन था? इसका पिता था बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का था बिंबिसार, हर्यक वंश का था ये राजा। हर्यक वंश 545 से लेकर 412 बीसी, ठीक है, 545 to 412 बीसी का था राजा बिंबिसार, और ये हर्यक वंश था, और इसको जो है सो मार के अजातशत्रु कब्जा कर लिया था। चूंकि बिंबिसार भी ऐसा किया था, बाद में ये भी किया, ये अजातशत्रु को कहा जाता है पृथ्वीहीनता। कुनिक इसका एक और नाम है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो है वैशाली को मिलाया, ये अजातशत्रु जो है सो वैशाली को मिलाया। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है, एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि वैशाली को किसने मिलाया, तो वैशाली को कौन मिलाया, तो मिलाया था वैशाली को मगध में मिलाया, माने मगध में किसने मिलाया, तो ये मिलाया था वैशाली को मगध में मिलाया था अजातशत्रु ने, ठीक है ना। ये हो गया, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए 48 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 48 है, 48 भी है, 48 का, तो 48 का आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का हो जाएगा सी, 49 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना, 48 का हो जाएगा सी, 49 का हो जाएगा आपका, 49 का आपका हो जाएगा, 49 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना, और 50 का आपका हो जाएगा बी बनावली। बनावली हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में बनावली है, और इसमें जो है सो मिला है क्या, मिट्टी के हल, ठीक है, मिट्टी का हल, टेराकोटा है मिट्टी का हल, और इसमें जौ, ये दो बात हड़प्पा में जो साइट है बनावली,
वेरी पॉपुलर और हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, बनावली हरियाणा हिसार जिले में है। इसमें मिट्टी के हल और जौ मिले हैं, एग्जाम में हमेशा आता रहा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बनावली। ठीक है ना, फिर करते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो आपका है वो है आपका बहमनी राज्य की स्थापना। बहमनी राज्य की स्थापना में थोड़ा सा हम बात कर लें कि मोहम्मद बिन तुलक एमबीटी जो था, एमबीटी के से पहले, ठीक है ठीक है, एमबीटी से पहले क्या एमबीटी क्या किया कि एमबीटी ने जो पांच प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, कैपिटल चेंज कर दिया, ठीक है, सिक्का चला दिया, उसके बाद हमला करने के लिए बनाया, आर्मी गठन कर लिया, बहुत सारा बात किया, जो पांच प्रयोग किए, अभिनव प्रयोग, ये अभिनव प्रयोग करने के बाद, एमबीटी का प्रयोग करने के बाद इसका जो शासन है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे स्वायत्त जो ऑटोनोमस राज्य थे, स्वायत्त राज्य थे, वो स्वायत्त राज्यों की स्थापना होना शुरू हुआ, जिसमें कि आपका बंगाल था। आप समझिए कि एमबीटी के समय बंगाल हाथ से निकल गया, मालवा हाथ से निकल गया, ठीक है ना। बहमनी की भी स्थापना हुई, बहमनी, उसके बाद मदुरै, ये सब जो राज्य थे इसकी स्थापना हुई है ना। विजयनगर की स्थापना हुई। तो विजयनगर और ये जो राज्य थे, सॉरी, जो राज्य स्वायत्त राज्य थे, बंगाल, मालवा, बहमनी, मदुरै और विजयनगर, इसकी स्थापना हुई एमबीटी के समय स्थापना हुई बहमनी राज्य का भी। और ये तो इसका आंसर होगा आपका, ये 51 का आपका ये हो जाएगा, मोहम्मदीन तुगलक। अब देखिए वास्तव में हसन गंगू नाम व्यक्ति था, जो व्यक्ति था उसका नाम था हसन गंगू एक व्यक्ति था जो कि बहमनी राज्य को स्थापित किया, बहमनी को एक स्वायत्त प्रांत के रूप में स्थापित किया। इसका पीरियड था 1347 टू 1517, है ना, इसका पीरियड था 1347 से लेकर के 1517 के बीच ये हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। और एमबीटी के समय ये खेल है ना, इन लोगों से, दिल्ली सल्तनत से बहमनी हाथ से निकल गया। तो ये इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है, ये कौन किए, दादा भाई नौरू जी, सिंपल क्वेश्चन आ चुका है, दादा भाई नौरू जी इसकी स्थापना किए, कहाँ पे किए, इसका अपना लंदन में किए 1866 में, है ना, 1866 में इसकी स्थापना ये लंदन में करते हैं। लंदन में कौन लोग थे, वैसे भारतीय और वैसे ब्रिटिश जो डिस्कशन करते थे इंडिया के बारे में और जो रिटायर होकर बैठे हुए थे, वे ब्रिटिशर्स और ये इंडियन सब मिल के, उसमें ये भी थे दादा भाई नौरू जी भी, ये सब मिल के एक बनाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इनका काम था वास्तव में इनका काम था भारतीयों के बारे में बात करना है कि भारतीयों कैसे और अधिकार मिले, भारत में जो चल रही आज़ादी की लड़ाई चल रही उसको कैसे लोग देखते हैं, इस पर डिस्कशन करने के लिए ये बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इसका एक उद्देश्य भी था कि कैसे भारत के भले के लिए काम किया जाए। तो 1866 में ये बना आपका, ठीक है। अगला आपका आ गया द्वैत शासन वाला सवाल, हमेशा पूछा गया है एग्जाम में, बहुत खूब पूछा गया है एग्जाम में। द्वैत शासन का जनक, ठीक है ना, फादर ऑफ डायरकी कौन है, तो आपका है लॉर्ड क्लाइव, भारत में होगा, लेकिन ये जो पूछा गया है जनक, तो जनक है सर लियोनेल कर्टिस। ये एग्जाम में हमेशा आ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, सॉरी, इसका आंसर होगा ये, एग्जाम में जो है सो बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको जान लीजिए कि सर कर्टिस जो था वो था वर्ल्ड लेवल पे। कर्टिस की किताब है, किताब का नाम ही है डायरकी, ये बुक है, लिखा है वही कर्टिस ने, और उसमें कैसे द्वैत शासन होगा और उसी कॉन्सेप्ट को इंडिया में लागू किया आपका रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अगला आंसर आपका है 54 का आपका है जिन्ना, है ना, 54 का आपका है, अच्छा, नरेंद्र देव। 34 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, विस्तार से पढ़ना है, देख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का अन्नदाता माना, ये हो जाएगा आपका जिन्ना। राजेंद्र प्रसाद ऐसा मानते थे कि जो बंटवारा हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उसके पीछे जो जनक है वो जिन्ना ही थे, क्योंकि बहुत लोगों का मत अलग अलग है,
विवाद है, लेकिन ये मानते थे जिन्ना को। अगला, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। डब्ल्यू सी बनर्जी का कोई रोल नहीं था, अब्बास तैयब जी का रोल नहीं था, ठीक है। एक अब्बास तैयब जी हैं और एक है बदरुद्दीन तैयब जी, तो बदरुद्दीन तैयब जी का रोल था लेकिन अब्बास तैयब जी नहीं थे और वीर शाह नहीं थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। विवाद से मत कीजिएगा, इसमें आंसर फिरोज शाह मेहता होगा। अगला आपका है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष की, तो आप कहेगा बेलगांव। बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। बेलगांव आपका कर्नाटक में है और ये आपका हो जाएगा आंसर, बेलगांव कर्नाटक में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1, 2, 3, 4, अब बाकी 10, 12, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा अधिवेशन पूछा रहा है। उसके बाद 58 नंबर है, बहुत लंबा लाइन है, पढ़ेंगे नहीं, जेपीएससी में अब ऐसा पूछने की संभावना है कि लाइन लाइन दे देगा, 5-6 लाइन अब पूछेगा। इसका आंसर होगा बल्लाल द्वितीय, देख लीजिएगा इसको आंसर, विस्तार नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। 59 का डी तुर्क, ठीक है ना। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान वास्तव में तुर्क ही हुआ करते थे, बाकी लोगों को, अरब को या ततारियों को या मंगोलों को या भारतीय मुसलमानों को नीच समझा जाता था, द्वयम दर्जे का माना जाता था, और तुर्क जो है सो अपने आप को बेस्ट मानते थे, इसलिए सल्तनत काल में जो अमीर और सुल्तान का जो पद है वो तुर्कों को ही मिलता था, तो तुर्क हो गए। आगे बढ़ते हम लोग, अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा, अंग्रेजी कर लीजिएगा, अपने से आंसर की मिला ही हुआ है। अगला अगला आपका है 60, अगला है आपका 60 नंबर सवाल, तो 60 नंबर सवाल में इसका आंसर होगा दियाने रियासत, क्योंकि दियाने रियासत की स्थापना बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, तो इसका आंसर बलबन नहीं होगा, बाकी का सब का सही है। अगला 61 का 2045, ठीक है ना, ये डाटा है, डाटा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 62 का 24, ठीक है ना, डाटा है देख लीजिए। 63 का, ठीक है ना, फिर से बोल दे रहे हैं, 61 का, 61 का होगा 2045 सी, 62 का बी, बी में 24, और 64 का, 63 का, 63 कितने पंचायत है, ये 4423 पंचायत हैं, ठीक है, ये पंचायत का संख्या है, ये पूछ सकता है झारखंड में कितने गांव हैं, झारखंड में कितने पंचायत हैं, झारखंड में कितने ब्लॉक हैं, अनुमंडल हैं, जिला हैं, कमिश्नरी हैं, सब कर लीजिएगा, इससे आएगा पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो आपका है वो आपका है 64 का, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, 64 का आंसर है आपका सी। उसके बाद 66 का आंसर जो है सो आपका है अरुण जेटली, है ना, 60, इसका हो गया आपका 120वां आंसर है, सॉरी 64 का बी है, 64 का बी है, 64 का बी है 120वां, और 65 का सी है, 65 का आपका सी है 101वां, फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे 120वां है, यहाँ पे 101 है, इसको देख लीजिएगा, इसको विस्तार नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग 66 में, तो 66 में हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर, फरीदाबाद का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है, तो इसका आंसर होगा अरुण जेटली, अरुण जेटली के नाम पे ही ये इनका नाम रखा जाने वाला है, ये इसका हो जाएगा आंसर अरुण जेटली। अरुण जेटली ऑप्शन किस में, ऑप्शन में है, इसको देख लिया जाए तो ये आपका आंसर नंबर ए में है, आंसर नंबर आपका ए में है, अरुण जेटली। उसके बाद 67 नंबर है, 67 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 44। ये सब डाटा वाला सवाल है, इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 68 का आपका सी है 2025, 69 का आपका है 77, इसका आंसर आपका है ए 77। ये सब डाटा है, आंकड़ा है, रैंक है, ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 70, तो 70 का होगा आपका डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है,
श्रम की भागीदारी कम होने के कारण है कि कीमत कितना है उसके तुलना में मजदूरी कम है। न्यूनतम मजदूरी अभी भी भारत में सबको नहीं मिल पा रही है, झारखंड में भी नहीं मिल पा रही है। सरकार ने जितना अनाउंस कर रखा है उसके अकॉर्डिंग में नहीं मिल पाता है, मनरेगा में भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका डी है। शक्ति का मात्रक आपका वाट होगा, इसमें कुछ कुछ नहीं कहना है। इसमें इनर्सिया होगा, जरूरत हो जाएगा, है ना, कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते लुट जाता है, जिसका है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ेंगे 73 का। तो 73 में जो है सो कहते हैं कि गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं, इसके लिए चाहिए ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर भी, और टेम्परेचर आर्द्रता कम, जल्दी सूख जाएंगे, है ना। तो टेम्परेचर कम, सॉरी ह्यूमिडिटी कम और तापमान ज्यादा, सवाल नंबर है आपका 73। सवाल नंबर है आपका 73 नंबर सवाल है, हाँ 73 नंबर सवाल है। इसको देखिए, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कब, आर्द्रता कम होगी और तापमान ज़्यादा होगा तब सूख जाएंगे। अगला है ICMR, कोरोना की चर्चा का मुख्यालय, तो ये नई दिल्ली है, ज़्यादा बात नहीं करना। ICMR ने बहुत काम किया है इस बार कोरोना के लिए, ICMR का रिपोर्ट भी आता रहा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद 75 का है आपका चुंबकीय तरंग। साइंस वाले विद्यार्थी समझ रहे हैं, जो आर्ट्स वाले हैं तो देख लीजिएगा, साइंस का स्पीडी एक आता है उसको देख लीजिएगा, तो उसमें सब मिल जाएगा सवाल आपको ये सब। 76 का आपका बी, 138 76 का आपका 20 है, 76 का आपका है 20, 138 केल्विन। 77 का आपका हो जाएगा सोडियम, ठीक है ना, पीले रंग में बहुत आया, पूछा गया है बार बार एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन, और इसमें आंसर हो जाएगा आपका एमेटॉल। वास्तव में एमेटॉल जो है ना, एमेटॉल जो है ये वास्तव में एमेटॉल भी एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव एमेटॉल भी है, एमेटॉल भी एक्सप्लोसिव है, एमेटॉल भी जो है विस्फोटक है, लेकिन इसमें पाया जाता है TNT और अमोनियम नाइट्रेट। जो एमेटॉल है, एमेटॉल का जो कंपोजिशन है वास्तव में पाया जाता है TNT बोलते हैं उसको ना, TNT ही बोलते हैं, ठीक है ना, TNT और अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट उसको बोलते हैं, ये पाया जाता है बेसिकली एमेटॉल में, इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एमेटॉल। अगला है एंटीबायोटिक्स, ये हो गया आपका फंगी, ठीक है ना। 79 का ए, 79 का आपका ए एंटीबायोटिक्स, ये हो जाएगा आप कवक में, कवकों से आपका फंगी। 80 का हो जाएगा आपका विषाणु वायरस, कोरोना, जान ही रहे नाम सुने ही है कोरोना का आप लोग, हम लोग सब कोरोना का मारे हुए हैं, इस बार हम लोग सब कोरोना के ही मारे हुए हैं, कोरोना कारण सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, पढ़ाई लिखा जॉब सब ध्वस्त हो गया है, ठीक है। तो कोरोना ही होगा इसका आंसर, वायरस, वायरस का आंसर होगा। और 81 का देखिए, 81 का इसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जो है सो पाया जाता है 65% के आसपास, 65 के आसपास, ठीक है ना, या इसका, और कैल्शियम पाया जाता है 1.5, ये पाया जाता है 18.5, और ये पाया जाता है नाइट्रोजन 3.2, तो ये मैक्सिमम यही होगा आपका, पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन। तो 81 का आपका ए होगा। 82 का आपका 2011-12 है, ये सिंपल सा सवाल है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो आधार वर्ष है वो 11-12 है, एग्जाम में आ चुका है, फिर आने की संभावना है। 83 का NSO थोड़ा नया है, इसको देख लिया जाए। तो वास्तव में NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका पूरा फुल फॉर्म है NSO का, है ना। NSO का जो फुल फॉर्म है सो लिख दे रहे हैं, NSO का जो फुल फॉर्म है वो लिख दे रहे हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये वास्तव में माना जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के लिए नई और काफी प्रभावशाली संस्था के रूप में काम करेगी NSO। तो भारत का राष्ट्रीय गणना के लिए नई संस्था जो है आपका आपका NSO है। अगला है 15वीं आयोग के अध्यक्ष इनके सिंह, सबको पता ही होगा आपको 15वीं आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो थे इनके सिंह। इनके सिंह भी एग्जाम में आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका है। भारत का सबसे व्यापार वाले में क्या है कि कभी घटते बढ़ते रहता है, कभी कोई, तो अभी जो सवाल जो पूछा गया है तो इसमें इसका आंसर अभी अमेरिका ही होगा, कभी कभी चाइना भी हो जाता है, ठीक है।
निशानी दत्ता जो है झारखंड, ये तीरंदाजी की खेल समझ आर्चर है, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। निशानी दत्ता देखिए गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये आर्चर है ठीक है, तीरंदाजी। अगला झारखंड में शामिल किया जा रहा है, झारखंड में जो आपदा प्रभावित होता है उसमें शामिल जो किया जा रहा है उसमें क्या होगा, जंगल का आग लगना यस, हाथियों से मौत यस, वज्र गिरना यस, इनमें से इसका सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 87 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी, जंगल में आग लगना भी, हाथियों से मौत भी, वज्र गिरना भी। 80 का 2020 के लिए बेस्ट एमएलए का पुरस्कार मिला है आपको श्री नलिन सोरेन जी को 2020 के लिए मिला है पुरस्कार बेस्ट एमएलए का, इनको मिला है पुरस्कार आपका बेस्ट एमएलए का पुरस्कार ये मिला है, ये हो जाएंगे श्री नरेंद्र सोरेन, 88 का हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आपका है 89 का WTO के अध्यक्ष जो हैं रॉबर्टो एजेवेडो, इसमें कुछ बात नहीं करना है, बात क्या करना है सो देख लीजिए, अब देखिए इसमें बात क्या करना है, ये थोड़ा सा प्रचार भी कर दिए अपना, बीच में थोड़ा सा प्रचार भी है खोटा भाषा का, है ना, तो खोटा भाषा हम पढ़ा रहे हैं JPSC के लिए और JSSC के लिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं क्लास चल रहा है ऑनलाइन, JSSC JPSC का खोटा भाषा चल रहा है क्लास ऑनलाइन, आपको इच्छा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो बीच में डाल दिए प्रचार भी, क्योंकि प्रचार नहीं करेंगे तो व्यवसाय कैसे बढ़ेगा, सारा काम आजकल व्यवसायिक रूप होता जा रहा है, ये अपना मेरा प्रचार है, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाइए। अब आइए विश्व व्यापार का संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो, ये जो JPSC PT में पेपर 1 में जो चैप्टर जो टॉपिक है ना विविध वाला, उसमें से आपको पूछेगा जैसे कि WHO के बारे में हेड या WTO के बारे में, है ना, WHO WTO UNO ILO यूनिसेफ, ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं FAO ये सारा जो संस्था है इस संस्थान से सवाल पूछेगा, तो इसलिए इसको आप लोग कर लीजिए, इसका है वर्ल्ड बैंक, ये सब जितनी संस्थाएं हैं इस संस्था के बारे में, इनका अध्यक्ष, इनका मुख्यालय, इनके मेंबर, इनका फंक्शन, ये क्या काम करते हैं सब पूछ लीजिए, करेंट मेंबर और करेंट चेयरमैन तो पक्का कर लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं FAO WHO WTO UNO ILO यूनिसेफ वर्ल्ड बैंक इत्यादि ऐसी संस्थाएं हैं, इनको आप कर लीजिए, ये आपके सिलेबस में है इसका, तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका डी रॉबर्टो एजेवेडो, है ना, 89 का आंसर होगा आपका डी रॉबर्टो, 89 का आंसर हो जाएगा आपका डी रॉबर्टो एजेवेडो। 90 का आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलू, राजीव गांधी पुरस्कार जो मिला है पैरा एथलीट को, ये आपके हैं मरियप्पन थंगावेलू भी एग्जाम में पूछ चुका है, हम मैक्सिमम सवाल वो सवाल उठाए हैं जो सवाल पूछा या पूछने की संभावना झारखंड में है, सवाल तो पक्का सबसे आना ही आना है, ठीक है। अगला आपका है भूमि बलराम स्कीम, तो बलराम स्कीम जो है उड़ीसा का योजना है, जो भूमिहीन किसान हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने ये शुरू किया है बलराम स्कीम, ठीक है। अगला आ गया मानवाधिकार के अधिनियम 1947 के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत शारीरिक यातना न दी जाएगी, अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद इसका 5 होगा, क्योंकि फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाएगा, ये किस आर्टिकल में है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि आपके सिलेबस में है ह्यूमन राइट है, आपके सिलेबस में ह्यूमन राइट दिया हुआ है, तो मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार की स्थापना और उसके प्रमुख अनुच्छेद ये काम करना पड़ेगा, फिर से बोल रहे हैं मानवाधिकार के बारे में कब स्थापित हुआ, भारत में कब लागू हुआ, इसके सार्वभौम यूनिवर्सल जो कंपोनेंट है वो कौन क्या क्या है, मानवाधिकार आयोग कमीशन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इसके भी हेड कौन है और ये काम क्या काम करती है, और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इस एग्जाम्पल के लिए अनुच्छेद 5 जो आर्टिकल 5 है ये कहता है कि किसी को भी फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाएगा, इसलिए आप देखते हैं कि जहाँ दिखाई पड़ता है फिजिकल टॉर्चर, जैसे अभी हुआ ना, क्या हुआ और मांझी में एक महिला का गला काट के हत्या किया गया, जो गला काट के हत्या किया गया इसका मतलब क्या, फिजिकल टॉर्चर हो गया ये, तो ये जो है सो मानवाधिकार ने भी इसको नोटिस किया है और कहा है कि ये जघन्य अपराध है, तो ह्यूमन राइट भी इसमें एक्शन लेती है, तो इसमें फिजिकल टॉर्चर जो है अनुच्छेद आपका 5 में आ जाएगा।
93 का आंसर ए। 93 वाले में ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, बस आपका 93 जो है, 93 जो है तो आपका आंसर ए। 94 का आंसर आपका है ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पे है? ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में है। UNFCCC की 26वीं बैठक COP, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, COP का फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, हमेशा पूछा जाता रहा है एग्जाम में कॉप का, तो आपका ग्लासगो में होगा या स्कॉटलैंड में है, ठीक है 94 का। उसके बाद 95 का सिंपल सा है, 95 का मेरा अपना प्रचार भी है झारखंड लोक सेवा आयोग का, JPSC PT टेस्ट सीरीज और JPSC मेंस टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, PT का भी मेंस का भी, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा दोनों में, क्षेत्रीय भाषा का भी टेस्ट चल रहा है, तो जिनको ज्वाइन करना है वो 9599624827 पर मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 95, तो 95 जो है सो बायोडाइवर्सिटी आपका एक्ट है, ये पारित हुआ है 2020 में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है ना, झारखंड का सर्वाधिक डेंसिटी वाला, तो ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर। जिला नहीं पूछे हैं, शहर पूछे हैं, बहुत लोगों को लगा कि जिला होता तो ये नहीं होता, जिला नहीं है ये शहर है, शहर तो शहर जो है सो ज़्यादा है जमशेदपुर। अब बाकी रैंक देख लीजिएगा आप, धनबाद का, रांची का देख लीजिएगा। अगला आपका है 97, झारखंड के कितने खिलाड़ियों को हाल ही में सीधी नियुक्ति कर सरकारी नौकरी दी गई है, तो 40 हैं, 40 खिलाड़ियों को झारखंड सरकार ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके अपॉइंट किया है। अगला आपका है तो 97 का हो जाएगा आपका ए, है ना, 96 का हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 और 99 और 100, अब लास्ट हम लोग आ चले हैं पड़ाव पे। तो 98 पे जो है ये है विवाद से विश्वास तक स्कीम, इसमें पैसा मिला 72,480। वास्तव में क्या था, ये वास्तव में था कि जो टैक्स पेयर हैं और टैक्स पेयर का किसी विवाद हो गया है, कुछ इशू चल रहा है, उसको सॉल्व करके उनको रियायत कर में रियायत देके उनको समय देके टैक्स कलेक्शन का ये स्कीम था, और स्कीम में इतनी राशि प्राप्त हुई है 72,480 करोड़ रुपया। विस्तार से और पढ़ना है जाए गूगल पे और देखिए विवाद से विश्वास तक स्कीम सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला है आपका मुख्यमंत्री विशेष योजना, तो ये तो आपका झारखंड होगा ही होगा, और हम बताइए साल शायद सवाल रिपीट हो गया है, देख लेंगे इसको। और रोजगार सेतु जो है सो आपका मध्य प्रदेश का है, रोजगार सेतु एक ऐप है जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जॉब देने के लिए ऐप ये बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपका 100 सवाल खत्म होने के बाद थोड़ा सा मेरा अपना प्रचार भी है, तो प्रचार अपना है ये JPSC PT टेस्ट सीरीज और JPSC मेंस टेस्ट सीरीज, जिनको पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9599624827 पे आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि कॉल से सबसे बात करना संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये आपका टेस्ट सीरीज है, पीटी का टेस्ट सीरीज है, ये शेड्यूल है, हमारा शेड्यूल पूरा है, झारखंड स्पेसिफिक होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी, उसकी पॉलिटी होगा, फिर साइंस होगा, फिर करंट अफेयर्स होगा, फिर हिस्ट्री होगा, फिर होगा मिसलेनियस होगा, ऐसे जो है सो ये टेस्ट सीरीज है पीटी का। उसी प्रकार से ये टेस्ट सीरीज आपका मेंस का भी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, जो पूरा पैटर्न है इंडियन पॉलिटी और संविधान से, पब्लिक एड से, इकोनॉमी से, इन्वायरमेंट से, फिजिक्स, लाइफ और एग्रीकल्चर साइंस से, पेपर 3, 4, 5, इस प्रकार से हमारा सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है तो ये चलेगा। अब जो है आप देख लीजिए इसको झारखंड लोक सेवा आयोग, अगला जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगले संडे को भी टेस्ट होगा, टेस्ट अब रुकेगा नहीं, अभी कम से कम ये टेस्ट हो गया आज का, एक टेस्ट और होगा, ये भी निःशुल्क ही होगा, उसके बाद फिर लोग पेड कोर्स की शुरुआत करेंगे। अभी देख लीजिए, आप जांच लीजिए, परख लीजिए कि हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। इतना मुश्किल से मेहनत करके पेपर तैयार करना, उसके आंसर की डिसीजन करना आसान काम नहीं है। जिनको लगता होगा आसान काम, कभी करके देखिए, आप एक बार बनाइए 100 क्वेश्चन अपने से हाथ से लिखिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में उसको टाइप कराइए और उसको डिस्कस की, तब चले पता कि क्या कितना इसमें कितना करना पड़ता है मेहनत। तो हम और मेरी जो टीम है अच्छे से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी काम करने का प्रयास करेंगे, वैकेंसी आएगी और करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए यूट्यूब पे, कुछ अच्छी बातें बोल दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, उससे उत्साह मेरा बढ़ेगा, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए
और शेयर भी कर दीजिएगा कर सकते हैं तो, बाकी फेसबुक पे जो हारेडू है वहाँ पे कीजिए। आर के पांडे मेरा एक अलग से फेसबुक पेज है, उसको भी आप थोड़ा सा कॉपी कर सकते, फॉलो कर सकते हैं। तो आर के पांडे मेरा एक अलग से फेसबुक पेज पे है, मेरा अपना अकाउंट और एक जो हारेडू का अकाउंट है फेसबुक पे भी है, ठीक है। यूट्यूब पे तो ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बाकी आप लोग के लिए तो ये था पेपर वन का सॉल्यूशन, और इसके बाद जो होगा वो होगा पेपर टू का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर, है ना। ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए।